अभी तक आप कांग्रेस में थे, अचानक बीजेपी में आ गए, मतलब अच्छी खासी एक सरकार आपने गिरा दी। बात करते हैं किसानों की, तो कुछ दिन पहले तक आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ही ट्वीट किया था कि इतने लोगों का कर्जा माफ हुआ है, फिर अचानक आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बोल दिया कि किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में वायरल हो रहे इस वीडियो में मंत्री तुलसी सिलावट से तीखे सवाल करने वाली लड़की का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। आखिर कौन है ये लड़की जिसने भारी सभा में एक मंत्री से ऐसे तीखे सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई? अभी तक आप कांग्रेस में थे, अचानक बीजेपी में आ गए, मतलब अच्छी खासी एक सरकार आपने गिरा दी। हम बात करते हैं किसानों की, तो कुछ दिन पहले तक आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ही ट्वीट किया था कि इतने लोगों का कर्जा माफ हुआ है, फिर अचानक आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बोल दिया कि किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। आपको बता दें, लड़की का नाम उपासना शर्मा है। फेसबुक प्रोफाइल में उपासना खुद को मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट बताती हैं। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय मीडिया से बात करते हुए उपासना ने कहा, 14 सालों में मुझे पहली बार लगा था कि इंदौर में विकास हो रहा है। शहर में पहली बार आईफा जैसा बड़ा आयोजन होने वाला था, लेकिन उसके पहले ही सरकार गिरा दी गई। उपासना ने कोरोना के मुद्दे पर भी तुलसी सिलावट को जमकर घेरा। दरअसल कमलनाथ सरकार में सिलावट स्वास्थ्य मंत्री थे। ऐसे में उपासना ने कहा, जब इंदौर में कोरोना फैल रहा था उस समय तुलसी सिलावट ही स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन कोरोना पर ध्यान देने के बजाय वो सरकार गिराने में जुटे थे। जब मैंने मंत्री से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया कि टाइगर जिंदा है। मैंने जवाब में कहा कि टाइगर तो जिंदा है पर जमीर मर चुका है। उपासना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। कई लोग उपासना की हिम्मत की दाद देते हुए उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो कई लोग उन्हें ट्रोल भी करते नजर आए। जाहिर है, पाला बदलने वाले नेता जब जनता के बीच जाएंगे तो उन्हें ऐसे सवालों से दोचार होना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि तुलसी सिलावट सिंधिया खेमे का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और इंदौर की सांवेर सीट से विधायक चुने जाते रहे हैं। अब फिर से यहां के मतदाताओं के बीच हैं। रविवार को जब वो विजयनगर क्षेत्र के नरीमन पॉइंट टाउनशिप में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहीं पर उपासना ने उनसे सवाल पूछते हुए ये वीडियो रिकॉर्ड किया और अपनी फेसबुक वॉल पर पोस्ट कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।